मैंने बीजेपी से इसलिए रिजाइन दिया कि पहले मैं जो सरकार ने जो डिसीजन लिया था चार मुद्दे पे वो सब क्लियर हो गया था। बाद में अभी इतने दिन हो गए तब तक कोई भी डिसीजन इस बारे में नहीं लिया, इसलिए मैं बीजेपी से रिजाइन करता हूं। क्योंकि कोई बात पे जो पॉइंट हुई थी, जिस पॉइंट पे बात हुई थी वो बात आज कहीं भी हुई नहीं है, इसलिए आज मैं बीजेपी से रिजाइन करता हूं। अभी तक तो मैंने राहुल गांधी का टाइम नहीं लिया, अभी प्रेस के बाद इस्तीफा देने के बाद मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा या तो रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उसको जरूर मिलूंगा, उसको भी बात रखूंगा। टाइम एक होगा तो हम दोनों एक साथ जाएंगे राहुल गांधी जी को मिलने। भाई ये जो पूरा जो ये प्लांटेड था, ये ड्रामा था आपका भाजपा में जुड़ना और फिर बाद में भाजपा को छोड़ना, पास की ये नबी कोई स्ट्रेटजी है क्या? पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा कुछ ड्रामा नहीं था, मैंने पहला भी किया है और अभी भी कह रहा हूँ कि बीजेपी में मैं इसलिए जुड़ा था कि जो सरकार ने जो अच्छे डिसीजन लिए थे उस हिसाब से मैं जुड़ा था, पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन उनमें से एक भी पॉइंट आज तक सही हुआ नहीं है, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और टाइम निकालने की बात है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद में उसी किसी को जरूरत ही नहीं है उसकी, इसलिए मैं आज रिजाइन कर रहा हूँ। मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया था तब बीजेपी बोल रही थी कि निखिल अच्छा है, उसका साथ दिया तो अच्छा हो गया, तो आज कांग्रेस का या तो मैं बीजेपी से रिजाइन करता हूं तब बोल रही है कि कांग्रेस का काम है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आपने कौन से काम किए चार में से, सिर्फ 209 केस के। प्रदीप सिंह बोल रहे हैं कि 409 केस है गुजरात में, पूरे गुजरात में 409 ही केस है, इतने तो सूरत में हो गए, इनमें से 100 गुना ज्यादा सूरत में होंगे, तो क्यों ये केस नहीं दिखाए जाते? इसलिए मैं आज बीजेपी से रिजाइन कर रहा हूं। ये पहले से कुछ ड्रामा नहीं था, और ड्रामा होता तो मैं बीजेपी में जुड़ता। भाजपा में जुड़ने के लिए मेरे को कोई पैसे नहीं दिए थे, जो पैसे देने की बात होती तो मैं 1.5 साल पहले ज्वाइंट हो जाता, लेकिन जो समाज के अच्छे वाला जो डिसीजन था सरकार का, समाज का हित का जो था, इसलिए मैं जुड़ा था। लेकिन बाद में मालूम चला कि बार बार लॉलीपॉप दे चुके, वो अब भी फिर से लॉलीपॉप दिया है, इसलिए मैंने रिजाइन किया।